BH News, सबसे अलग। नमस्कार, BH News में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं कोमल भारद्वाज। आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन के चलते और कोरोना महामारी के इस दौर के बीच अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। वहीं इस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हिमाचल सरकार लगातार अलग अलग कदम उठाने जा रही है, उठाए भी हैं फिलहाल के लिए। तो ये बता देते हैं कि आज जो है एक ऐसा फैसला सामने आया है प्रदेश सरकार के द्वारा। अब बागवान जो है कीटनाशक की खरीद या फिर सब्सिडी को लेकर जानकारी एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए देख सकते हैं। जी हाँ, आज प्रदेश सरकार ने यानी सीएम जयराम ठाकुर ने एक बागवानों के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। इसके साथ ही एक मोबाइल एप्लीकेशन का भी आज शुभारंभ किया है, तो जिसमें आप अलग अलग इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं जो भी बागवानी लोग हैं। तो क्या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आप पोर्टल के जरिए देख सकते हैं जिससे आपको लाभ मिलेगा? तो पूरा क्या है ये मसला, कैसी है ये पोर्टल, क्या है ये एप्लीकेशन, तो चलिए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच प्रदेश सरकार आर्थिक गतिविधियों को लेकर कई अहम फैसले ले रही है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते प्रदेश की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। वहीं आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए प्रदेश सरकार ने अब बागवानों के लिए एक अच्छी सुविधा प्रदान की है। जी हां, आपको बता दें कि बागवान अब कीटनाशकों की खरीद या फिर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। दरअसल ऑनलाइन आवेदन के लिए सीएम जयराम ठाकुर ने ई उद्यान पोर्टल शुरू किया है। इसके साथ ही सीएम ने प्रदेश के सभी बागवानों से आग्रह किया है कि वे सभी इस पोर्टल का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। वहीं प्रदेश सरकार ने इस कदम से भी ये भी माना जा रहा है कि पोर्टल के शुरू होने से लोग विभाग के कार्यालयों में कम दिखेंगे और आवाजाही कम होने के चलते कोविड-19 महामारी के समय जारी दिशा निर्देशों के तहत सामाजिक दूरी बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही सीएम ने बागवान विकास परियोजनाओं के तहत ई उद्यान पोर्टल और इसी पोर्टल के मोबाइल एप्लीकेशन का भी शुभारम्भ किया। वही इस पोर्टल में बागवानी संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी किसानों और अन्य हितकारियों को आसानी से मिलेगी। बागवानी विकास परियोजना के तहत लाभार्थियों को पौधों की मांग, बागवानी संबंधित औजार, कीटनाशकों की खरीद, मधुमक्खी की छत्तों की मांग, सब्सिडी आदि सेवाओं की ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा सरकार ने प्रदान की है। वहीं अब देखना ये होगा कि बागवान ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा ले पाएंगे, अगर लेते हैं तो किस हद तक लेते हैं।